वाले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सभी भक्तों को जान करके प्रसन्नता होगी, पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 70वां ये वर्षायोग चातुर्मास आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी यानी 12 जुलाई को जम्बूरी हसनापुर में स्थापित हो चुका है। पूज्य माता जी दीपावली पर्यंत यानी चातुर्मास दीपावली तक रहता है, दीपावली 25 अक्टूबर तक है, तो दीपावली पर्यंत पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी जम्बूदीप हसनापुर में संघ सहित विराजमान है। चातुर्मास के मध्य अनेक कार्यक्रम आते हैं जिसमें प्रमुखता से दशलक्षण पर्व आता है। ये दशलक्षण पर्व 31 अगस्त से 9 सितंबर तक, चतुर्दशी और पूर्णिमा है 10 सितंबर की, तो भादो शुक्ला चतुर्थी से लेकर के और भादो शुक्ला पूर्णिमा तक ये दशलक्षण पर्व 31 अगस्त से 10 सितंबर तक जम्बूदीप हसनापुर में 3 लोक मंडल विधान आयोजित करके यहाँ संपन्न किया जाएगा। दोनों माता जी के पूज्य आरिका चंदनावती माता जी और पूज्य बड़ी माता जी, दोनों माता जी के मंगल प्रवचन, तत्वार सूत्र पर प्रवचन, 10 धर्म पर प्रवचन और 3 लोक रचना के संदर्भ में जो मंडल विधान होगा, अनुष्ठान होगा, उसकी भी पूरी जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। ऐसी जानकारियाँ जो आपको शास्त्रों में पढ़ने में दिक्कत होती है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, और वे सभी जानकारियाँ सभी प्रवचन के माध्यम से, आशीर्वचन के माध्यम से आपको सहजता से, सरलता से यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो जो भी महानुभाव दशलक्षण पर्व में आकर के धर्माराधन और अनुष्ठान में तीन लोक मंडल विधान में संबंधित होने की भावना रखते हैं, वे शीघ्र अपनी सूचना यात्री संख्या सहित, आप कितने लोग आ रहे हैं, तो आपको 30 अगस्त तक जम्बूदीप हसनापुर पहुंच करके और इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना है। दूसरी सूचना, अक्टूबर के महीने में शरद पूर्णिमा का अवसर आता है। ये शरद पूर्णिमा इस वर्ष 9 अक्टूबर दिन रविवार की है। इस शुभ अवसर पर त्रिदिवसीय आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और इस वर्ष दिगंबर जैन त्रिलोक सुर संस्थान के स्वर्णिम यानी सौभाग्यशाली 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सन 1972 में इस संस्था की स्थापना राजधानी दिल्ली में दीपावली के दिन संपन्न हुई थी, तो इस शुभ अवसर पर हम लोग 50 वर्ष के ये जो स्वर्णिम वर्ष है, स्वर्णिम समय है, उसको भी यहाँ पर विविधता के साथ, अनेक कार्यक्रमों के साथ संपन्न करेंगे। जिनकी भी भावना है अक्टूबर के अंदर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की, अभी से रिजर्वेशन करा करके हमें सूचना देंगे। तीसरी बात है अयोध्या के विकास की। अयोध्या का विकास पूरे दिगंबर जैन समाज का गौरव है, क्योंकि अयोध्या प्रथम तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, सबसे प्राचीन तीर्थ है, यहीं पर तीर्थंकर भगवान हमेशा जन्म लेते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे आगम के अंदर वर्णन प्राप्त होता है। इस चतुर्थ काल के अंदर 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया। उन 5ों तीर्थंकरों की टोंकों पर 5 मंदिर पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, माता जी की प्रेरणा से निर्मित होकर के वहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएँ संपन्न हो चुकी है। अब जहाँ पर 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा विराजमान है, ऐसे विशाल परिसर में वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले देश और विदेश के यात्री और पर्यटक, जैन और जैनेतर सभी बंधु हमारे जैन धर्म से ठीक प्रकार से परिचित होकर के जाएं। वहाँ पर हम केवल मंदिर के निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि अयोध्या के इतिहास का निर्माण होगा। जैसे अयोध्या में भगवान भरत का जन्म हुआ, भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत का जन्म हुआ, तो भरत की 31 फीट की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान की जा रही है। अयोध्या के अंदर ही उसी सर्वतोभद्र महल में भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र का जन्म हुआ, 101 पुत्रों ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे 101 पुत्र का वहाँ विश्व शांति मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात 101 भगवान उस मंदिर के अंदर विराजमान होंगे।
तीसरी रचना वहां पर बनेगी, तीन लोक। ये हमारा जैन धर्म का प्रतीक है। आगम की परंपरा के अनुसार, आगम की भाषा के अनुसार, जैसा तिलोपनति, जम्बुद्वीपनति, तिलोकसार आदि ग्रंथों के अंदर तीन लोक का वर्णन आया है, कितना ऊंचा, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कितने राजू का कैसे क्या है, तृष्णाली कहाँ है, उसमें कैसे कैसे जीव रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जम्बुदी वस्त्रापुर में तीन लोक के अंदर देखने को प्राप्त होंगी। ये 56 फीट ऊंचा तीन लोक यहाँ बना हुआ है और अयोध्या के अंदर 84 फीट ऊंचा विशाल तीन लोक की रचना का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 30-24 मंदिर, ये इस बात का द्योतक होगा कि यहाँ पर एक नहीं, अनेकों तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में जन्म लेंगे। इस बात को बताने के लिए, ये हमारे जैन धर्म के इतिहास को बताने के लिए 30-24 मंदिर का निर्माण वहाँ पर होगा और उसके अंदर 720 रत्न की प्रतिमाएँ विराजमान की जा रही हैं। अभी हमारे पास में तीन लोक रचना के अंदर जो प्रतिमाएँ विराजमान होना है उनकी संख्या अभी शेष है। जिनकी भी भावना है 1,11,000 रुपये की राशि से प्रतिमा एक इसमें प्रदान कर सकते हैं, एक प्रतिमा विराजमान कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपको पंचकल नाटक में भी आमंत्रित किया जाएगा, आपके हाथों से प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ वो महल भी वहाँ पर बनेगा जिस महल के अंदर भगवान ने जन्म लिया, भगवान के माता पिता ने जन्म लिया, भगवान के पुत्रों ने जन्म लिया, ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं ने जन्म लिया, ऐसे अनेक महापुरुषों की जन्म महल के रूप में सर्वतोभद्र महल जो हमारे आगम के अंदर बताया गया है 81 मंजिल का, उसे हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार ऐसा महल उसकी ऊंचाई निश्चित करके और उस महल का निर्माण भी वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक निर्माण है, चाहे सुंदर भोजनालय हैं, सुंदर सुंदर सुपर डिलक्स फ्लैट हैं, जैसे अभी मांगी तुंगी के अंदर जो भी भक्त गए हैं और वहाँ के फ्लैट के अंदर, सुपर डिलक्स फ्लैट के अंदर ठहर करके आए हैं, तो सभी लोग ये बोलते थे कि जैसे पंच सितारा होटल होता है उस प्रकार से सुंदर व्यवस्था यहाँ ठहरने की है, भोजन की है, तो वैसी ही व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर भी हम सुंदर फ्लैटों का निर्माण करने वाले हैं और ये सारा कार्य हमारा 1-2 वर्ष के अंदर हमें करना है। अब आप इसमें किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं, कैसे आप इसमें पुण्य अर्जित कर सकते हैं, हमने इसमें एक रत्न शिला 1,000 रुपये की रखी है। आप इसको 108 शिला का दान कर सकते हैं, 51 शिला का दान कर सकते हैं, 21 शिला का दान कर सकते हैं, 11 शिला का दान कर सकते हैं, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी शिला का दान कर सकते हैं। तो ये सहयोग, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो सकता है कि अयोध्या में आपके परिवार से कुछ राशि लगाने का आपके परिवार को अवसर प्राप्त हुआ। हम तो चाहते हैं कि भारतवर्ष में दिगंबर जैन समाज का कोई सब परिवार बाकी ना रहे जिसका पैसा इस अयोध्या के विकास में ना लगे, क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ है। तो इसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आपके घर तक अपना प्रतिनिधि भेज करके आपको प्रेरणा देंगे कि आप इस अयोध्या के विकास में निश्चित रूप से जितनी शिलाएँ आपकी भावना हो, फ्लैट निर्माण की आपकी भावना हो, प्रतिमा प्रदान करने की भावना हो, जो भी आपकी भावना हो उस भावना के अनुसार आप अयोध्या के साथ जुड़ें, शाश्वत तीर्थ के साथ जुड़ें, अपने तीर्थ के साथ जुड़ें, क्योंकि ये हमारा तीर्थ नहीं है, ये जन जन का तीर्थ है, पूरे दिगंबर जैन समाज का तीर्थ है, भगवंतों की जन्मभूमियों का तीर्थ है। तो इस तीर्थ के साथ आप सबको एक मत होकर के, एक साथ होकर के पूरे दिगंबर जैन समाज को जुड़ करके, क्योंकि हमें केवल दिगंबर जैन समाज का द्रव्य ही इस तीर्थ के ऊपर लगाना है, ऐसा सभी को हम बराबर कहते आए हैं। तो अब अवसर आया है कि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो कि अयोध्या के विकास में आपका हाथ आगे लगे, छोटा बड़ा मध्यम जैसी भी आपकी भावना हो, आप इसके विकास में अवश्य अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करने का सौभाग्य जरूर लें, ये आपको मंगल प्रेरणा है। जब लोग अग्नि ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा, सबसे पहली प्राचीन रचना अपने जैन समाज के पास, दिगंबर जैन समाज के पास उपलब्ध है आज, चैत्य भक्ति। आप ध्यान में रखें, सबसे प्राचीन यही रचना है, षटखंडागम आदि सभी ग्रंथों से प्राचीन ये रचना है।
भले ही लिपिबद्ध किन्ने कब किया हम नहीं सोच सकते, लेकिन सबसे प्राचीन रचना भगवान महावीर स्वामी के समर्षण की रचना, जिसको भगवान महावीर स्वामी का समर्षण बना, 2578 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 79वां वर्ष शुरू हुआ है, और श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्य धनी खिली थी। श्रावण कृष्णा एकम को श्री गौतम स्वामी भगवान के समर्षण में पहुँचते ही मान गलित हुआ और उन्होंने मुख से निचारण किया जयति भगवान। तो उनके मुख से निकली ये रचना संस्कृत में है। आज विद्वान कह देते हैं संस्कृत भाषा हमारी नहीं है आदि, उन्हें सबको सोचना है प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत गौतम स्वामी के मुख से निकली। जयति भगवान हे माम भोज प्रचार विजृंभिता भमर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबित कलुष हृदय महानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यश्च प्रपद्य विश्वसुः। ये प्रथम काव्य है, इसमें ऐसे 35 काव्य हैं, क्रमशः हम आपको सुनाएंगे। इसका अर्थ आप पहले तो काव्यार्थ सुनेंगे, काव्यार्थ जिस मैंने इसका अनुवाद किया है। जय हे भगवान आप जय हे भगवान चरण कमल तव कनक कमल पर करें विहार। जय हे भगवान चरण कमल तव कनक कमल पर करें विहार, इंद्र मुकुट की कांति प्रभा से चुंबित शोभे अति सुखकार। जात विरोधी कलुष मना क्रुद मान सहित जंतु गण भी, ऐसे तो पद का आश्रय ले प्रेम भाव को धरें सही। यानी जय तो भगवान, हे भगवान आपकी जय हो जय हो। आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरण कमल, आपके चरण कमल, आप चलते हैं आकाश में अधर, 5000 धनुष ऊपर आकाश में अधर चलते हैं। भगवान का जब समर्षण बनता है तो जमीन धरती से पृथ्वी तल से 5000 धनुष यानी 20000 हाथ ऊपर रहता है, और भगवान जब श्री विहार करते हैं तो 5000 धनुष 20000 हाथ ऊपर ही करते हैं। चारण दिधारी मुनि आदि उनके पीछे, इंद्रगण देवगण देवियाँ पीछे उनके रहते हैं, धर्मचक्र आगे आगे चलता है, और भूमि गोचरी राजा महाराजा और मुनि आरिकाएँ आदि सब धरती पर चलते हैं। ये ध्यान रखो, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त हुआ है। तो भगवान आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे इंद्रगण, इंद्र की आज्ञा से देवगण दिव्य कमलों की रचना करते हैं। वो कमल स्वर्णिम होते हैं, स्वर्णमयी, और विशेषता यह है कि उनमें सुगंधि आती है। स्वर्णिम कमल होकर भी, पृथ्वी का कमल होते हुए उनमें सुगंधि आती है। ऐसे चरण कमल सात तो पीछे रहते हैं, सात आगे रहते हैं, और एक बीच में रहता है। भगवान जब विहार करते हैं तो भगवान डग नहीं भरते हैं, हमारे और आपके समान उनका विहार नहीं होता है एक पैर आगे और पीछे, बल्कि दोनों पैर एक समान रहते हैं। एक समान तो लिखा है कि एक कमल पर तो दोनों चरण हैं बीच में, और सात कमल पीछे हैं सात आगे हैं, वो बनते चले जाते हैं और मिटते चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था भगवान के श्री विहार में, मंगलमय श्री विहार में होती है। एक कमल बीच में जिस पर दोनों चरण रहते हैं एक साथ, एक साथ ही भगवान का विहार होता है, डग नहीं भरते हैं। ऐसा बहुत स्पष्ट इसमें टीकाकारों ने लिखा है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि भगवान जो है चरण क्रम संचार रहित चारा, आपका प्रकट अनजन असंभवी, अन्य लोगों में असंभव, अन्य लोगों से सदृश नहीं है जो असंभव असाधारण, ऐसा आपके चरण क्रम दोनों चरण, वो उनका संचार नहीं है, अलग अलग नहीं है, उनका गमन एक साथ होता है स्वर्णमय पद्म के ऊपर, ऐसे आपके चरण कमल शोभित होते हैं, और सात पीछे सात आगे, ऐसे आपका श्री विहार जो होता है। और इंद्रों के मुकुटों, इंद्र जो है, इंद्रगण अपने मुकुटों को आपके चरणों के स्पर्श करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इंद्रों के मुकुटों की जो किरणें आपके चरणों पर पड़ती हैं तो उसमें जो चमक, विशेष चमक रहती है आपके चरणों पर, उनकी छाया आपके चरणों पर जो चुंबित होती है, तो बहुत ही सुंदर चरण आपके रहते हैं। ऐसे हे भगवान
आपके चरण कमल का श्री विहार इस विश्व में बहुत ही मंगलकारी होता है। भगवान के मंगल का श्री विहार का कहा है लोय सुहो, सारे विश्व को मंगल करने वाला भगवान का श्री विहार होता है। ऐसे भगवान जो है इंद्रों के मुकुटों की मणियों से जिनके चरण चुंबित स्पर्शित हैं, ऐसे चरण कमल और जिनके विहार में और जिनके समोसरण में परस्पर बैरी जन्मजात बैरी भी त्रियंत प्राणी जो मान से उद्भ्रांत हैं, कलुष हृदय हैं, जिनके हृदय में कलुषता, ऐसे सब कलुषता को छोड़कर परस्पर में आपके चरणों का आश्रय पाकर परस्पर में परम मैत्री को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे है भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार से हम आपको एक एक काव्य का अर्थ विशेष रूप में सुनाते रहेंगे। आप समझें ये चैत्य भक्ति बहुत ही महिमापूर्ण, बहुत ही अतिशयपूर्ण, चमत्कारिक है। इसका पाठ करने से आपको हजार हजार उपवास का फल प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो पूज्यगणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चैत्य भक्ति जिसे आप सुन रहे हैं अर्थात चतुर्थ काल की वाणी, साक्षात गौतम गणधर की वाणी, इसे हम सब प्रतिदिन त्रैकालिक सामायिक में पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करके पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी ने इसके महत्व को द्विगुणित नहीं सैकड़ों गुना अधिक बढ़ा दिया है और सबके लिए ये संदेश देती हैं कि कम से कम दिन में एक बार इस चैत्य भक्ति को जरूर जरूर पढ़ें और सैकड़ों सैकड़ों उपवास का फल इस चैत्य भक्ति को पढ़ने से मिल जाता है। तो ऐसे ही साक्षात गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई गौतम गणधरवाणी के अंदर निहित इस चैत्य भक्ति का पाठ आप सब अवश्य करें। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ प्रश्न के उत्तर को लेकर के। हमने 11 जुलाई को सोमवार को आपसे प्रश्न किया था और इस सोमवार को योगायोग से पारस चैनल का प्रसारण नहीं हुआ। आज हम आपके सामने इसीलिए उपस्थित हुए। हमने प्रश्न किया था चातुर्मास कौन करते हैं और ये कितने दिनों का चातुर्मास होता है। सब लोग समझ ही गए हैं क्योंकि नगर नगर के अंदर चातुर्मास की स्थापनाएं हुई हैं। तो चातुर्मास दिगंबर मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका जिनके हाथ में पिच्छिका होती है उनके लिए ही चातुर्मास का निर्देश है और ये कितने दिन का होता है ये आप सब ने, किसी ने 120 दिन का कहा है लिखा है और किसी ने 105 दिन, यानी दीपावली तक तो होता ही है तो उसमें 105 दिन होते हैं और अष्टानिका तक पुनः प्रायः साधुगण उसी नगर में चातुर्मास स्थल पर रहते हैं, इसलिए 120 दिन का भी ये चातुर्मास। दोनों ही जिन लोगों ने लिखा है सही माना गया है, कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं कि आषाढ़ शुक्ला 11 से ये चातुर्मास शुरू होता है और कार्तिक सुदी 11 तक चलता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को प्रारंभ होता है, दीपावली की भोर में प्रभात में संपन्न होता है और पंचमी तक विहार करते हैं साधु, प्रायः पूर्णिमा तक भी रुकते हैं। तो ये आपको जिन लोगों ने गलत उत्तर दिया उनको सही कर लेना है, यानी कि आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से कार्तिक कृष्णा अमावस्या तक वर्षायोग जरूरी होता है। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया यानी हजारों लोगों के उत्तर आए, ये बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग इतने ध्यान से सुनते हैं और प्रश्न का इंतजार करते हैं कि हम इसका उत्तर दें। तो आप जो इसमें विजेता 3 लकी ड्रा निकाले गए हैं यानी सौभाग्यशाली विजेता, उनमें से 3 के नाम इस प्रकार हैं। सौभाग्यवती सुप्रभा अभय कुमार जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रथम विजेता के रूप में, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कीजिए। दूसरे विजेता है हमारे श्री विपिन जैन गोधा भायंदर मुंबई महाराष्ट्र से और तीसरे विजेता है श्री सिद्धांत मनीष झवेरी सांता क्रूज मुंबई। इन लोगों ने सही उत्तर दे करके और भाग्यशाली विजेता के रूप में स्थान प्राप्त किया है। आपको सबको ये चांदी का सिक्का पूज्यगणी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल
चरणों से समन्वित जिसे लोगों ने घर में रखा, उनके घर के अंदर खूब बढ़ोतरी हुई और ऐसा जुलूस निकाल निकाल करके इस छोटे से सिक्के का भी मूल्यांकन किया। तो आप सबके लिए, इन विजेताओं के लिए ये सिक्का, यहाँ से पूज्य माता के श्री चरणों का सिक्का भेजा जाएगा और आप सब इसे विनय पूर्वक रखिएगा अपने पूजा घर के अंदर और इसकी आराधना पूजा करके और खूब ज्ञान की, सुख की प्राप्ति कीजिए। इसके साथ में अब आज एक नया प्रश्न है। नया प्रश्न मतलब नोट कर लीजिएगा, भगवान का समोसरण, चाहे वो ऋषभदेव भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो, तीर्थंकर भगवान का समोसरण धरती से कितने हाथ की ऊंचाई पर बनता है? धन कुबेर बनाते हैं, धरती से कितनी ऊंचाई पर आकाश में समोसरण की रचना होती है, ये आपको उत्तर देना है। कल शाम को 4 बजे तक आप उत्तर दीजिए और जो व्हाट्सएप नंबर है केवल इसी पर उत्तर दें, कोई फ़ोन ना करें, और अपने पूरे पोस्टल एड्रेस के साथ में अपने उत्तर को भेजिएगा, अपना नाम वगैरह लिख करके। फिर से प्रश्न एक बार सुन लीजिए, धरती से कितने हाथ की ऊंचाई पर समोसरण की रचना हुआ करती है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो ऐसे अनंत समोसरण तो भरत क्षेत्र की धरती पर बने, अर्थात धरती से ऊपर अधर आकाश में बने, जिनमें से अंतिम समोसरण भगवान महावीर का लगा। और अभी जो श्रावण कृष्णा एकम का दिन आया, उस दिन आप सबने उसका महत्व जाना कि उस युगादि दिवस के दिन भगवान महावीर की देशना खिरी राजग्रही के विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर की भक्ति करते हुए जब इंद्रभूति गौतम ने प्रवेश किया और समोसरण के बाहर ही मानस तंभ को देखते ही गौतम का मान गलित हो गया, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में इंद्रभूति गौतम के समान इस धरती पर कोई वेद वेदांग का ज्ञाता नहीं था, उनके समान किसी का ज्ञान नहीं था। किंतु सौधर्म इंद्र ने एक वृद्ध का रूप धारण करके और अपनी बुद्धि के अनुसार इंद्रभूति गौतम को वे समोसरण में लाए और एक प्रश्न के बहाने से बस उन्होंने महावीर की शिष्यता को स्वीकार करके दिगंबर दीक्षा धारण की और 4 ज्ञान के धारी बन गए। बस उसी समय उन्हें प्रमुख गणधर का पद प्राप्त हो गया। अंतर मुहूर्त में उन्होंने भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को द्वादशांग रूप से निबद्ध कर दिया। आज समझो गौतम गणधर का हम सबके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है और जितना उपकार गौतम गणधर स्वामी का है उससे कहीं कम नहीं है गणनी ज्ञानमती माता का उपकार कि चतुर्थ काल की उस वाणी को आज हम तक पहुंचाने का, हम सबको पढ़ने का जो सौभाग्य लाभ पूज्य माता ही प्रदान कर रही हैं, इसके लिए सभी लोग ऋणी हैं कि आज हम कम से कम चतुर्थ काल की वाणी, कोई एक प्राचीन प्रतिमा मिल जाती है तो उसे कह देते हैं, जिसने प्रशस्ति नहीं है कह देते चतुर्थ काल की प्रतिमा है, जबकि हमें निश्चित पता नहीं होता। लेकिन चैत्य भक्ति के बारे में हमें पता है कि भगवान महावीर के समोसरण में गौतम गणधर ने सबसे पहले जयति भगवान कह करके, जयशील हो हे भगवान महावीर स्वामी, मैंने आपकी शिष्यता स्वीकार कर ली है, तो ऐसे उस चैत्य भक्ति का उच्चारण किया था। सुदम में आउस संतो कह करके और मुनि धर्म श्रावक धर्म का वर्णन जैसा उन्होंने महावीर की दिव्य ध्वनि में श्रवण किया था उसी के अनुसार हम सबको बताया। आज उसी के अकॉर्डिंग जो 4 अनुयोग रूप ग्रंथ हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, उन ग्रंथों को हमारे पूर्वाचार्यों ने जो निबद्ध किया, चाहे वो गुणधर आचार्य रहे जिन्होंने कषाय प्रावृत की रचना की, चाहे वो पुष्पदंत भूतबलि रहे जिन्होंने षटखंडागम की रचना की, चाहे वो कुंद आचार्य रहे जिन्होंने समय सार आदि 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, और चाहे समंत भद्राचार्य जैसे रहे जिन्होंने तार्किक विद्वत्ता को सबके समक्ष प्रस्तुत किया, रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसे महान ग्रंथ के अंदर 4 अनुयोगों की सार्थकता को बताया, और आज उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए
गणी ज्ञानमती माता जी ने 500 ग्रंथों का लेखन करके आज साहित्य के भंडार को जो समृद्धि प्रदान की है वो युग युग तक याद किया जाएगा कि वास्तव में आज भी षटखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि जैसी महान टीका रचने वाली कोई विदुषी आरिका इस धरती पर हुई हैं। तो महानुभाव, ऐसी चतुर्थकालीन वाणी को बताने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता के लिए बारंबार नमन करते हुए